IAS प्रारंभिक परीक्षा का प्रारूप। IAS प्रारंभिक परीक्षा का उत्तीर्ण अनुपात मात्र 3% के आसपास है। इसका मतलब ये है कि प्रत्येक 100 IAS अभ्यर्थियों में से सिर्फ 3 ही IAS प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण कर पाते हैं। इसलिए भी इस परीक्षा को भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक माना जाता है। IAS प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होते हैं, सामान्य अध्ययन 1 और सामान्य अध्ययन 2। सामान्य अध्ययन से संबंधित विषयों जैसे कि इतिहास, भूगोल और अर्थशास्त्र इत्यादि से संबंधित है। दूसरा पेपर सामान्य अध्ययन 2 है, जो कि रीजनिंग, तार्किक क्षमता तथा अंग्रेजी से जुड़ा है। दोनों ही पेपर 200 अंक के होते हैं। सामान्य अध्ययन 2 पेपर सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, जिसे पास करना अनिवार्य होता है। सामान्य अध्ययन 1 के अंकों के आधार पर IAS प्रारंभिक परीक्षा की कट ऑफ निर्धारित की जाती है। जो अभ्यर्थी इस कट ऑफ से ज्यादा अंक लाते हैं, उन्हें सफल घोषित कर दिया जाता है। पाठ्यक्रम तथा पिछले प्रश्न पत्रों का विश्लेषण करें। IAS प्रारंभिक परीक्षा के पाठ्यक्रम को जितना हो सकता है उतना ब्रॉड रूप से समझें, ताकि कोई भी विषय या टॉपिक पाठ्यक्रम से बाहर ना प्रतीत हो। इसका मतलब ये है कि IAS प्रारंभिक परीक्षा में कुछ भी पूछा जा सकता है। IAS परीक्षा के पैटर्न को समझने के लिए IAS प्रारंभिक परीक्षा के पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न पत्रों का विश्लेषण करना आवश्यक है। ये अभ्यास IAS प्रारंभिक परीक्षा के महत्वपूर्ण बिंदुओं को अच्छी तरह से समझने में सहायता करेगा। ये प्रक्रिया IAS परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण विशेष क्षेत्रों की पहचान करने में उम्मीदवारों की सहायता करेगी। NCERT पाठ्य पुस्तकों को अपनी तैयारी का आधार बनाएं। NCERT द्वारा प्रकाशित पाठ्य पुस्तकों में काफी अच्छी तरह से हर टॉपिक को समझाया जाता है, जो कि वैचारिक स्पष्टता के लिए बहुत ही आवश्यक है। IAS प्रारंभिक परीक्षा के लिए कक्षा 6 से 12 तक के सभी विषयों की किताबों को पढ़ना आवश्यक है। किसी भी विषय के प्रश्न से संबंधित तथ्य में विवाद की दशा में NCERT पुस्तक में दिए गए तथ्यों को ही सही माना जाता है। सभी विषयों के लिए एक मानक किताब का अध्ययन अवश्य करें। IAS प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी में NCERT के साथ साथ हर विषय की एक मानक किताब पढ़ना भी आवश्यक है। IAS अभ्यर्थी यहां दी गई पुस्तकों की सूची से लाभ उठा सकते हैं। भारत के इतिहास से कला तथा संस्कृति के लिए स्पेक्ट्रम द्वारा प्रकाशित फैसेट्स ऑफ इंडियन कल्चर तथा सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सिंग एंड ट्रेनिंग की वेबसाइट देख सकते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास के लिए RS शर्मा की प्रारंभिक भारत का इतिहास बहुत ही उपयोगी है। सतीश चंद्र द्वारा लिखित मध्ययुगीन भारत का इतिहास बहुत ही उपयोगी है। आधुनिक इतिहास के लिए स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया के साथ साथ सुजाता मेनन की कंसाइज हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया देख सकते हैं। भौतिक भूगोल के लिए गो चेंग लियोंग की सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी तथा सविंदर सिंह द्वारा लिखित फिजिकल ज्योग्राफी ही सर्वश्रेष्ठ है। भूगोल के अध्ययन करने के दौरान छात्रों को ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस को जरूर देखना चाहिए। भारतीय राजनीति यानी इंडियन पॉलिटी की तैयारी के लिए लक्ष्मीकांत द्वारा रचित इंडियन पॉलिटी और DD बासु की एन इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सबसे सर्वश्रेष्ठ किताब है। अर्थशास्त्र के मूल सिद्धांतों और शब्दावली के लिए रमेश सिंह की इंडियन इकोनॉमी तथा मिश्रा और पुरी की इंडियन इकोनॉमी और इकोनॉमिक सर्वे आदि पढ़ना अति आवश्यक है। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी यानी एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी खंड की तैयारी के लिए NIOS द्वारा पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र पर दी जाने वाली अध्ययन सामग्री तथा इसके अलावा उन्हें पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र के UNFCCC की विकास परियोजनाओं के बारे में जानकारी रखनी चाहिए। सामान्य अध्ययन 2 के लिए विश्लेषणात्मक तर्कशास्त्र यानी एनालिटिकल रीजनिंग खंड में ज्यादातर उम्मीदवार RS अग्रवाल की किताब को पसंद करते हैं, लेकिन MK पांडे की एनालिटिकल रीजनिंग से भी मदद आप ले सकते हैं। MK पांडे के विश्लेषण और व्याख्या कहीं अधिक एडवांस और अच्छी है। गणित की तैयारी के लिए S चांद पब्लिकेशन की RS अग्रवाल काफी अच्छी है। इस किताब में IAS पाठ्यक्रम की व्यापक कवरेज है और इसको पढ़ने के बाद किसी और किताब को अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। दैनिक समाचार पत्रों को रोजाना पढ़ें। करंट अफेयर्स IAS परीक्षा का एक अभिन्न अंग है, जिसके लिए रोजाना समाचार पत्र पढ़ना IAS परीक्षा की तैयारी की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। IAS उम्मीदवारों को ये सुझाव दिया जाता है कि रोजाना वह कम से कम एक अखबार अवश्य पढ़ें। IAS उम्मीदवारों को समाचार पत्र पढ़ने के पश्चात महत्वपूर्ण घटनाओं पर नोट्स भी अवश्य बनाने चाहिए। ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करें।
IAS उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सुझाव ये है कि हर विषय पर आधारित प्रश्नों का अभ्यास अवश्य करें तथा मॉक टेस्ट के माध्यम से अपनी तैयारी का परीक्षण ज्यादा से ज्यादा बार करें। IAS उम्मीदवारों द्वारा ये प्रयास उन्हें अनेक कमजोर और मजबूत विषय क्षेत्रों की पहचान करवाने में सहायता करेगा। कमजोर क्षेत्रों की पहचान करने के बाद उन क्षेत्रों की ज्यादा तैयारी करके उन्हें सुधारा जा सकता है। रिविजन सबसे जरूरी अंग है। यदि आप महीनों पहले पढ़े हुए विषय एवं टॉपिक को दोहराते नहीं हैं, तो उस विषय को भूलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। रिविजन से ही IAS अभ्यर्थी अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं, क्योंकि IAS प्रारंभिक में नेगेटिव मार्किंग भी होती है, इसलिए विषय का संपूर्ण ज्ञान तथा पकड़ होना बहुत ही जरूरी है। IAS प्रारंभिक पेपर में समय प्रबंधन। IAS प्रारंभिक पेपर 2-2 घंटे के होते हैं। पहले पेपर सामान्य अध्ययन 1 में 100 प्रश्न होते हैं और प्रत्येक प्रश्न 2 मार्क्स का होता है। इस प्रकार पूरे प्रश्न पत्र में अधिकतम अंक 200 होते हैं। नेगेटिव मार्किंग होने की वजह से हर गलत उत्तर पर 1/3 अंक कट जाता है। इस पेपर को हल करने के लिए सबसे पहले उन प्रश्नों को हल करना चाहिए जिनका उत्तर 100% आता हो। जब सारे प्रश्न एक बार पढ़ चुके हों, तब उन प्रश्नों पर वापस जाना चाहिए जिनका अभ्यर्थी को थोड़ा बहुत अंदाजा हो। इन प्रश्नों को अनुमान लगाकर हल करें। उन प्रश्नों को बिल्कुल न छुएं जिनके बारे में आप बिल्कुल नहीं जानते। सामान्य अध्ययन 2 का पेपर सिर्फ क्वालिफाइंग का होता है, लेकिन इसमें भी बहुत सावधानी की जरूरत होती है। इस पेपर में 80 प्रश्न होते हैं, जिसमें कम से कम 27 सही करने होते हैं, इसलिए हमेशा उन प्रश्नों को पहले करें जिनके बारे में आप आश्वस्त हों। IAS प्रारंभिक परीक्षा में आत्मविश्वास रखने से ही आपको सफलता मिल सकती है।